नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गैंग्स ऑफ वासीपुर इलाके में गोली चलना कोई नई बात नहीं है, आए दिन गोली चलती रहती है, पर इस बार भूली थाने के महज कुछ ही कदमों पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर अपराधी भागने में सफल रहे। मौके से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। भूली ओपी के सामने एक कार पर बाइक सवार अपराधी ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी और भागने में सफल रहे। कार गुड़िया खान की थी। गुड़िया खान अपने एक रिश्तेदार को भूली झारखंड मोड़ के पास छोड़कर वापस वासेपुर अपने घर लौट रही थी। इसी बीच गुड़िया खान का कार का एसी में टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण कार का एसी नहीं चल रहा था। एसी देखने के लिए गुड़िया खान ने गाड़ी खड़ी करवाई। गाड़ी खड़ा करते ही बाइक सवार एक व्यक्ति ने गोली चलाने लगा। 4 गोली कार में लगी। गोली चलाने के बाद गुड़िया खान के पति ने गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। आजाद नगर के पास बाइक सवार आगे निकल गए। बाइक सवार जब तक कार से पीछा करते, एक सफेद कार बीच में आकर रास्ता अवरुद्ध किया, जिससे बाइक सवार भागने में सफल रहे। गुड़िया खान ने बताया कि बाइक सवार अपराधी को भगाने के लिए सफेद कार बीच में आई, जिसमें फहीम खान का बेटा शहजादा खान बैठा हुआ था। गुड़िया खान ने फहीम खान के पुत्र शहजादा खान पर उसके जमीन को जबरन हड़पने की नीयत से धमकी देने और धमकाने के लिए इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। गुड़िया खान ने भूली पुलिस को शिकायत की है। आप कुछ पैसा ले लीजिए और मार्केट ये छोड़ दीजिए, हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मार्केट बनाएंगे। हमने कहा ये मार्केट हम नहीं दे सकते, ये मेरी माँ की, ये मेरी माँ के नाम से। इससे पहले भी आप लोग को पता होगा कि मेरे पीछे शूटर लगा था, जेल से ही षड्यंत्र चल गया था मेरे पीछे। उसके बाद भी ये सब क्रिमिनल पकड़ाए थे, जिस समय एएसपी मनोज सरगरी सर थे, रणधीर सर थे, सबके रहते में ये पकड़ाया था। ये फिर ये लोग खेला किया सिर्फ हमको मारने के लिए, जो कि जमीन जो है मेरा वो मेरे जान का दुश्मन बन गया। जो कि हम जीते जी जमीन तो छोड़ेंगे नहीं और अपना मार्केट छोड़ेंगे, जिसमें फहीम खान का बेटा इकबाल खान को सबसे ज़्यादा लालच है और उससे भी कई दुगना लालच मेरे रेंटर सोनू और उसका भाई जब्बार को है।